जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में बुधवार को दीवानी न्यायालय परिसर स्थित न्यू कमेटी हॉल में जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक सेमिनार आयोजित की गई। सेमिनार में पॉस्को एक्ट और जीजे एक्ट के संबंध में जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ चर्चा की गई। सेमिनार में मुख्य रूप से स्पेशल जज पॉस्को एक्ट नवल किशोर, CGM विजय कुमार विश्वकर्मा, ACGM फर्स्ट शिवम कुमार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राहुल कुमार सिंह द्वारा पॉस्को एक्ट और जेजे एक्ट के संबंधित मुकदमों में आने वाली परेशानियों के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान SP क्राइम अशोक कुमार वर्मा, CO कैंट सुमित शुक्ला, CO कोतवाली VP सिंह, CO गोरखनाथ रतेश सिंह, CO कैंपियरगंज राहुल भाजी और CO खजनी योगेंद्र कृष्ण नारायण सहित सभी थानों के थाना प्रभारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल कुमार सिंह ने कहा, पॉक्सो एक्ट और जेजे एक्ट स्पेशली बालकों और नाबालिग महिलाओं से संबंधित है। माननीय उच्च न्यायालय व इलाहाबाद माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय व सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी समय समय पे इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। हम अपने दैनिक कार्यों में जो हमारी पदीय ड्यूटी के निर्वहन दायित्वों के निर्वहन में हम कहीं ना कहीं हमारी कमियों के कारण एक्यूज को इसका फायदा मिल जाता है, चाहे वो अभियोजन करें अभियोजन की ओर से हो या हमारे पुलिसकर्मी की ओर से हो या इस न्याय प्रणाली की ओर से हो। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए आपसी सामंजस्य स्थापित करने के लिए आज इस सभागार में यह सेमिनार आयोजित की गई है। इस सेमिनार के माध्यम से हम कोई यहाँ व्याख्यान देने नहीं जा रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें जो कठिनाइयाँ अपने दायित्वों के निर्वहन में आती है उन सभी को हम एक दूसरे से साझा करें, एक दूसरे को बताएं। हमारे मध्य इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए पॉक्सो न्यायालय के विशेष जज श्री नवल किशोर सर उपस्थित हैं, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के शिवम कुमार सर उपस्थित हैं तथा JJB के यहाँ सदस्यगण उपस्थित हैं। इसके अलावा अभियोजन कार्यालय से ADGC और विशेष अभियोजन अधिकारीगण उपस्थित हैं, पुलिस कर्मी उपस्थित हैं। मैं माननीय अपर जनपद न्यायाधीश महोदय से आग्रह करूंगा कि इस टॉपिक की शुरुआत करते हुए परिचर्चा शुरू करें। कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम का और फाइनली हमारा फेल्योर है कि वो ऐसा कर रहा है, मतलब है कि बेस्ट प्रैक्टिस चुनना चाहिए, व्यवस्था जहाँ था उसको बेहतर करने का प्रयास करना है। पर्पस और पर्टिकुलर्स आप सूची में शामिल करें, वो एक्यूज्ड का स्टेटस हमेशा चालान में दें, उसके खिलाफ में ये चालान है या उसका सप्लीमेंट तो अभी कुछ काम बाकी है, या तो कोर्ट कॉग्निजेंस में ले लें उसको या आपके थानेदार साहब इंटरेस्ट लेके कर लें। एक स्टेट के लिए कॉपी जरूर दें आपको, अब जो फाइनल रिपोर्ट देते हैं 164 सपोर्ट किया हुआ है विटनेस, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने क्या अगर 164 में गोली है लड़की बहुत मजबूत आपके पास सबूत चाहिए उसको क्लोज करने के लिए, केवल ये करना है 63 और 66 है और बालिका नाबालिग पीड़िता नाबालिग है उसमें आप पॉक्सो के साथ 16, 17, 18 से काम नहीं चलाएंगे, उसके लिए वो हेल्प करने के लिए भी है तो आपका पर्पज सॉल्व हो जाएगा, वहाँ पनिशमेंट किया गया आप उसे काम चला रहे हैं, आपका बहुत प्रेशर है तो नहीं तो IIT एक शिकायत थी कि हम नहीं भी मानते हैं तो वो अपने से करके दे देते हैं और दे देते हैं तो हम उसकी फाइल पर लगा लेते हैं, रिक्वेस्ट नहीं है तो नहीं दीजिए, आवश्यकता ही नहीं है। बाकी अगर उसका प्रेगनेंसी या DNA करा ली है, DNA मैच कर गया तो और किसी एविडेंस की आवश्यकता ही नहीं। अगर आपके पास 5/6 का केस है आप निश्चित रूप से DNA के लिए आगे बढ़िए, प्रेगनेंसी है कुछ और मिल गया है नहीं है हाई मोटॉन होने की आवश्यकता, ये चीज़ आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। 3-4 ऑफेंस है डेफिनेशन, वो अगर आपको क्लियर हो आप पढ़ेंगे सारी फाइलों में, मैंने अभी देखा है कि 340 की फाइलें आके रुकी हुई हैं, मैं उसको कॉल करना शुरू कर रहा हूँ। आई होप आई विल टेक एन योर कंसर्न, आप प्लीज कम अप आइडियाज योर प्रॉब्लम, आप उसको क्वालिफाई कर लीजिए, वही सर्टिफिकेट हम आईओ से सर्टिफाई कराते हैं और आईओ कहता है कि सर्टिफिकेट उसकी है, पीड़िता का तुरंत कराइए, तुरंत आपको मेडिकल कराना है। एक्यूज क्या है, जब आप लेके जाते हैं फर्स्ट रिमांड पे आप तिरपन में लेके जाते हैं कलेक्ट कर, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अधिकारी बहुत अगर बिजी है तो किसी अफसर को अपने प्रतिनिधि तौर पर भेजना चाहिए, आप इसको जरा नोट कर लीजिए कि कितने लोग आए हैं, नहीं आए तो उनके यहाँ से सेकंड अफसर क्यों नहीं आया, इतनी महत्वपूर्ण कार्यशाला है,
मैं बतौर क्रिमिनल कोर्ट में जो कुछ समस्याएं हैं, एक तो कामन समस्या है कि आपके यहाँ से रिपोर्ट टाइमली नहीं आती है, ठीक है, आपका कार्य बहुत व्यस्तता है, ये सब कोर्ट समस्या है, सीजन कोर्ट समस्या नहीं है। बताओ, चार पाँच दिन में जो काम कर रहा हूँ उससे मुझे कुछ फाइलें ऐसी मिली है, मैं संबंधित थाने को उसकी एक कॉपी और SSP को मैं मार करके भेजूँगा। मुझे अगर 2-3 डेट के बाद रिपोर्ट अगर नहीं आई तो अनुशासनात्मक कार्रवाई झेलने के लिए आप लोग तैयार नहीं हैं। CEO साहब, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आपके जो भी अंडर में थाने हैं उनके पास अधिकारी नहीं आए हैं, तो आपके माध्यम से मेरी बात वहाँ पर पहुँच जाए। आप भी बहुत व्यस्तता है, 2-3 डेट बहुत होती है भाई, क्या आपको लिखना है 54 दिन में? पंजीकृत नहीं है, मैं पंजीकृत है या नहीं है आपको विवेचना करनी है क्या? अपना रेस्टोरेंट देखिए, इस मामले में वादी है जो बच्चे को बनाया हुआ है, आपका सिर्फ इतनी रिपोर्ट आनी है कि मुकदमा पंजीकृत है या नहीं है। हमारे यहाँ देखा तो 12-13, 13-14 आर्टशीट चल रही है और इसी में तो 1-1 साल एक चीज। दूसरी चीज, 156(3) जो एप्लीकेशन अलाउ हो गई उसे पता कर लिया कि हफ्ते के अंदर सप्ताह भीतर आपको रिपोर्ट पंजीकृत करके उसकी एक कॉपी न्यायालय में भेजनी चाहिए। अभी मेरे यहाँ 2-3 एप्लीकेशन पड़ी, अभी शायद आगे कितने पड़ेगी, जिसपे 5-5 महीने से आदेश हो रखा है और रिपोर्ट पंजीकृत नहीं की जा रही, ये बहुत गंभीर बात है। तीसरी चीज, कुछ गाड़ी की रिलीज जिनका आदेश हो रखा है, आप लोग रिलीज नहीं करते तो उस पर लिख के भेजो ना कि किस वजह से हम गाड़ी को रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, ये कमियां हैं। क्लाइंट कैसे आता है, कैसे कितना, कैसे उसका आदेश होता है, कितनी डेटों बाद, कितनी पेंडेंसी के बाद, और फिर वो रिलीज का आदेश हो गया, आप क्या फिर दौड़ता फिर कि साहब रिलीज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब वो व्यक्ति एक बार आदेश पा चुका है, दोबारा फिर कोर्ट में आए, फिर उसी एप्लीकेशन की सुनवाई करें। मैं एक बार आपको बता देना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन हो आपके यहाँ पेंडिंग, उसको डिस्पोज आप 1 हफ्ते में कर लीजिए। निर्देश प्राप्त था कि ऐसे मामले जो बच्चों से होते हैं, नाबालिग बच्चों से होते हैं, बालिकाओं से होते हैं, इस समय बहुत सारे मामले ऐसे बढ़े हैं और इस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सेंसिटाइज है, हम लोग को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके, पीड़ित को न्याय मिल सके, इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज इस दीवानी न्यायालय परिसर में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय की अध्यक्षता में हमने एक यहाँ पे पॉक्सो एक्ट और जिजे एक्ट पे एक स्पेशल सेमिनार रखा है। इस सेमिनार में हमने प्रोसिक्यूशन अभियोजन कार्यालय से ADGC और SPO को बुलाया है, हमारे SP क्राइम साहब उपस्थित हैं, इस गोरखपुर जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी व थानाध्यक्ष उपस्थित हैं, हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर के रिप्रेजेंटेटिव उपस्थित हैं। इस बैठक के माध्यम से हम लोग इन तमाम स्टेक होल्डर से न्याय को सुलभ और सस्ता और अच्छा सुनिश्चित कराने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेशन मीटिंग कर रहे हैं। हमारा जो पदीय दायित्व है उनके निर्वहन में हमें जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, चाहे वो पुलिसकर्मियों की तरफ से हो या फिर हमारे न्याय प्रणाली की तरफ से हो या फिर मेडिकल की हो, सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग यहाँ बैठ के एक दूसरे को समझ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हम किसी भी पीड़िता को या पीड़ित को हम अधिक से अधिक लाभ दिला पाएँ। इस सेमिनार में हम लोग हर बिंदु पे चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो एक्यूज़ की गिरफ्तारी से लेके हो, पीड़िता की प्रोडक्शन के लेके हो, पीड़िता का रिहैबिलिटेशन हो, या पीड़िता को उसका 164 का साक्ष्य का जो लिखवत कराया जाना हो, कोर्ट का जो आदेश हो, इन सब के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों ने खुद देखा कि हम यहाँ पे सारे स्टेक होल्डर उपलब्ध हैं, ताकि हम उनमें चर्चा करते हुए जो चीज़ें कमी रह जाती हैं उनको दुरुस्त करें और मामले को अधिक से अधिक हम निपटाएँ।